वेलकम बैक टू माय चैनल हनुमानगढ़ ब्लॉग्स। दोस्तों ये स्प्लेंडर प्लस बाइक है, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, इस कार्बोरेटर के अंदर बार बार कचरा आ रहा था और जिस कारण से ये बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। 3 से 4 बार इसको मैकेनिक के पास ले गए, ले जाने के बाद में इसको वॉश किया, साफ़ किया, लेकिन इसका सही तरह से हल नहीं हो पा रहा था, सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों आज हमने इसको कार्बोरेटर खोला है और मुझे कुछ इसमें कमी दिखाई है, जिसका मैं इस कमी को आपको भी शेयर करना चाहता हूं, ताकि ऐसी कमी आपके पास में आए तो आप उसका प्रॉपर सही तरह से उसका जो है रिपेयर कर सके। तो थोड़ा मैं कैमरे में सकूँ थोड़ा पास में ना दोस्तों। ये कार्बोरेटर था, इस कार्बोरेटर को मैंने खोल चुका हूं। खोलने के बाद में दोस्तों मैंने क्या है कि इसको बार बार वॉश भी किया, लेकिन दोस्तों क्या है कि जब यहाँ से पेट्रोल पाइप लगती है इसकी, यहाँ पेट्रोल लगा हुआ था और डालने के बाद में यहाँ से दोस्तों होने के बाद में पेट्रोल जो है यहाँ से इसके नीचे। इसका रीज़न दोस्तों ये था कि यहाँ ये होल बड़ा है, होल बड़ा होने के कारण से जब पेट्रोल इसमें गया तो यहाँ कुछ कचरा इसके अंदर गया, कचरा जाके इसके अंदर यहाँ फंस गया, जिस कारण से पेट्रोल प्रॉपर तरह से नीचे नहीं आ रहा था। तो मैंने इसे प्रेशर से, हवा के प्रेशर से कचरा निकाल दिया है। अब मैं आपको एक इसका अच्छा हल बताने वाला हूँ कि फ्यूचर में ऐसी कोई बाइक में प्रॉब्लम ना आए तो उसका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इसका एक छोटा ट्रिक दे रहा हूँ आपको, इस ट्रिक से अगर आप किसी बाइक के अंदर जो कार्बोरेटर वाली बाइक है उसके अंदर वो ट्रिक यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद में लाइफ के अंदर इस तरह का कचरा उस कार्बोरेटर में जाने के चांस कम से कम बहुत नाम मात्र होंगे कि उसमें कचरा जाए, और 99% उसमें कचरा नहीं जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों एक पेट्रोल फिल्टर आता है, जो पेट्रोल फिल्टर आपने देखा जो एक्स्ट्रा जो बाहर दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये एक पेट्रोल फिल्टर है जिसे यहाँ लगाने के बाद में इस तरह से लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं और लगाने के बाद में यहाँ इस तरह से लगा लिया जाता है। ये आपने कई बाइकों में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप उस वीडियो में जाके इस पेट्रोल फिल्टर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन मेरी आज की वीडियो इस पेट्रोल फिल्टर के ऊपर नहीं है दोस्तों, इस पेट्रोल फिल्टर के ऊपर है। ये जो आपको पेट्रोल फिल्टर दिख रहा है इस पेट्रोल फिल्टर के ऊपर है। ये बहुत ही छोटा देखने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कार्बोरेटर के लिए, फिल्टर के लिए। इसके लगाने के बाद में पेट्रोल फिल्टर जो है बहुत अच्छा करता है, इसमें जो कचरा डस्ट है वो पेट्रोल के अंदर नहीं जाता। यहाँ जाने के बाद में जो डस्ट वगैरह जो कचरा है पेट्रोल के अंदर जो टैंक, इसका दोस्तों इससे कारण ये होता है कि जो पेट्रोल टैंक होता है ये काफ़ी टाइम तक खड़ा होने के कारण से इसके अंदर जर वगैरह लग जाती है। जर लगने के कारण इसका जो जर है वो कट कट कर धीरे धीरे इस पाइप के थ्रू पेट्रोल के थ्रू होते हुए इस कार्बोरेटर में आना शुरू रहता है। तो हमें क्या करना है कि हमने सिर्फ इसके जर को या डस्ट को या मिट्टी को रोकने के लिए इस पेट्रोल फिल्टर का यूज़ करना है। ये छोटा सा पेट्रोल फिल्टर यूज़ करने का बहुत ईजी होता है। यहाँ से ये पेट्रोल फिल्टर आपने ये दिख रहा है आपको, यहाँ से पेट्रोल जाता है अंदर, यहाँ पेट्रोल की पाइप लगती है इस तरह से, कुछ इस तरह से ये लगती है। आपने क्या करना है, इस पेट्रोल फिल्टर को यहाँ पर इसके अंदर कुछ इस तरह से आपने लगा देना है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से लगा देना है और यहाँ से धक्का दे देना है इसको इस तरह से। ये दोस्तों ये लगा दिया और ये धक्का दे देंगे दोस्तों। धक्का लगाने के बाद में इसके ऊपर जो ये पेट्रोल फिल्टर की पाइप है इस तरह से आपने ऊपर पेट्रोल फिल्टर की पाइप लगा देनी है, बस पास पर इसको पेट्रोल फिल्टर पाइप लगा देनी है। और दोस्तों इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से ये जो है पेट्रोल इसमें जाएगा तो ये एक तरह से बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा। दोस्तों ये जो पेट्रोल फिल्टर है ये जुपिटर स्कूटी में होता है, जुपिटर की स्कूटी से या आप किसी TVS एजेंट से लेकर इस पेट्रोल फिल्टर को ले सकते हैं और अपने किसी भी बाइक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसकी यूज़ करने से आपका कार्बोरेटर काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाएगा, इसमें डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह नहीं आएगा और ब्लॉकेज नहीं होगी, मिसिंग भी नहीं होगी और बाइक की एवरेज जो है वो माइलेज जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आपका पेट्रोल में कचरा नहीं होगा तो। तो दोस्तों मैं अभी फिट कर लेता हूँ, फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं इसको वापस इस तरह से यूज़ करूँगा। तो ये छोटा सा पार्ट जो है दोस्तों, ये छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, आपने भी इसको अपने कार्बोरेटर में इस तरह लगा देना और ऊपर पाइप लगा देनी है और इससे जो पेट्रोल में डस्ट वगैरह कचरा जो है वो जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। दोस्तों ये लगा दिया है, अब इसमें मैंने इसको ये दोस्तों अब ये स्प्लेंडर के अंदर कार्बोरेटर फिट हो चुका है। अब क्या करना है ये देखो, ये जो है इसके अंदर आपने इस यहाँ ऐसे लगा देना है इसको, ये देख रहे जी इस तरह से। दुख रहते हैं थोड़ा, अब इस पेट्रोल छोड़ रहे हैं। अब इसमें जो भी पेट्रोल जाएगा वो बिल्कुल फिल्टर होके जाएगा जिससे कार्बोरेटर खराब नहीं होगा और कुछ दिनों के बाद में आप इस पेट्रोल फिल्टर को बाहर निकाल कर साफ कर सकते हैं, फिर वापस इसे लगा सकते हैं। ये सिर्फ 10 रुपये का मात्र आता है, आप इसे नया लगाना चाहे तो लगा सकते हैं।
बस आप सिर्फ इस तरह का पेट्रोल फिल्टर लगाकर बाइक के कार्बोरेटर को बचा सकते हैं, उसके अंदर कचरे जाने से, डस्ट जाने से, या जो आपके पेट्रोल टैंक के अंदर जंग लगी हुई है उस जंग को जाने से रोक सकते हैं। ये तरीका काफ़ी अच्छा ट्रिक लगा रहा है। ट्रिक आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।